खालिद खान, सैफ वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कानपुर आज दिनांक 10 जनवरी 2024 को ईवीएम के खिलाफ विशाल महामोर्चा खोला गया और प्रदर्शन करने में कई संगठन शामिल रहे, और साथ ही साथ भाषण में कहा गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग दूसरे चरण में देश के 567 जिलों में जाकर जनता को जागरूक करेंगे। ईवीएम के विरोध में शामिल होने वाले संगठनों के नाम भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ एंड सभी ऑफशूट संगठन द्वारा ईवीएम के विरोध में व केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ तथा उसके विरोध में जनपद कानपुर नगर में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया व जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया गया। देर है, बस जागने की देर है। ईवीएम मशीन से हमारे मुस्लिम समाज के विरोध में काले कानून बनाए जा रहे हैं। ईवीएम मशीन के माध्यम से हमारे आदिवासियों पे भयानक जुल्म अत्याचार किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा ईवीएम मशीन के द्वारा ये जो नाजायज सरकार चुन के आई है भारतीय जनता पार्टी, इसके द्वारा आदिवासियों के ऊपर मणिपुर में बहुत जबरदस्त जुल्म अत्याचार चलाया जा रहा है। मणिपुर में हमारी भारतीय महिलाओं को सरेआम नंगा घुमाया जा रहा है। भारतीय संविधान को ईवीएम मशीन के द्वारा समाप्त करने की साजिश चल रही है। ईवीएम जो इस देश की समस्या है, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, ये न दे करके जनता को जो है वो राम मंदिर पर उलझाने का काम कर रहे हैं। साथियों, इससे हमको समझना होगा कि ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए अभी संत महापुरुषों ने और देश के चार चार शंकराचार्यों ने, एक नहीं चार चार शंकराचार्यों ने कहा कि राम का मंदिर अभी पूरा बना नहीं है, राम का मंदिर अभी अधूरा बना है। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है जो 22 जनवरी को ये राम का शिलान्यास करना चाहते हैं? अभी मंदिर अधूरा बना है। अरे वो राम की आड़ में इस देश में चुनाव करवा कर ईवीएम से घोटाला करके सत्ता पर आना चाहते हैं। ये बात इस देश की जनता को समझने की जरूरत है। आज की तारीख में जो रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेगा, नरेंद्र मोदी को चाहिए हमारे साथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गली में चोर है। चुनाव आयोग चोर है। चुनाव आयोग चोर नहीं। चोरों का सरदार है। चुनाव आयोग चोर नहीं। चोरों का सरदार है। जय मूल निवासी। हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहें सैफ वर्ल्ड न्यूज से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।